अब 40,000 पदों पर जो है द्वितीय सप्ताह जुलाई में ये चालू हो जाएगा। 40,000 पदों को भरने के लिए हम निर्देश आज भर्ती बोर्ड को दे रहे हैं और लगभग सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में जो है हम लोग यूपी पुलिस में जहां जहां भी रिक्त पद है उनको भरे। जो भी आप यह न्यूज सुने हैं बिल्कुल सही सुने हैं, यह मुख्य सचिव द्वारा बात कही गई है कि यूपी पुलिस की जो नई कांस्टेबल की भर्ती आ रही है वह जुलाई के सेकेंड वीक में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक एक पॉइंट को आप लोग समझिएगा। देखिए यह जो फॉर्म है वही कैंडिडेट भरेंगे जो 12th क्वालिफाई है, इसमें मार्क्स फिक्स नहीं है, यानी परसेंटेज भी फिक्स नहीं है कि आपका 50% या 60% है तभी फार्म को अप्लाई करेंगे। सिर्फ आप पास हैं 12th तो आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका परसेंटेज 33 और 34 क्यों ना हो, ठीक है। इसमें आप लोग डाउट मत रहिएगा कि परसेंटेज जो है कितना मांगा जाता है, सिर्फ क्वालिफाई है तो आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपका जो डॉक्यूमेंट है आय जात निवास यह तीनों जो है तैयार कर लेना है। लेकिन पॉइंटली समझ लीजिए, जो जात है वह जनरल का नहीं बनता है, यानी जनरल का जात नहीं लगता है। तीनों जो डॉक्यूमेंट है सिर्फ ओबीसी एससी और एसटी का तैयार कर लेना है, आय जात निवास। और जनरल वाले जो है अपना डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे निवास और आय, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, इसके लिए जो एज है वह क्या होती है, तो देखिए इसके लिए मेल में बताते हैं जो जनरल की एज होती है 18 से 22 वर्ष के बीच में। बाकी जो एज रिलेक्शन मिलता है ओबीसी एससी और एसटी का 5 साल का वो मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। ओबीसी एससी और एसटी का यानी कि 22 साल के बाद भी उनका एज ओवर हो गया होगा तो अपना 5 साल काउंट कर सकते हैं, यानी कि 27 वर्ष तक वो अपना फार्म भर सकते हैं। लेकिन जनरल वाले 22 के बाद जो है फार्म को नहीं भर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं महिला की। तो जो महिला कैंडिडेट हैं जनरल की तो उसका जो एज मांगता है 18 से 25 वर्ष के बीच में। बाकी जो छूट की प्रक्रिया है, यदि फीमेल कैंडिडेट ओबीसी एससी और एसटी है तो इनका भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि उम्र में छूट मिलेगा, यानी एज रिलैक्सेशन जो है 25 के बाद भी अपना ये अकाउंट कर सकती हैं। यदि 30 वर्ष की भी होगी तो फार्म का अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी हाइट क्या मापी जाती है, यानी यूपी पुलिस की हाइट क्या होती है। तो मेल की जो हाइट होती है, यदि मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी एससी हो, ठीक है, जनरल ओबीसी और एसी है, तो इसका जो हाइट है 168 सेंटीमीटर मापा जाता है। यानी कि जनरल ओबीसी और एसी की जो हाइट है यूपी पुलिस में 168 सेंटीमीटर मापा जाता है। लेकिन वही कैंडिडेट एसटी है तो उसका जो हाइट है 160 सेंटीमीटर मापा जाता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर ले रहे हैं फीमेल की हाइट। तो देखिए यदि फीमेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी और एसी है तो इनका जो हाइट है 152 सेंटीमीटर मापा जाता है। यदि फीमेल कैंडिडेट एसटी कैंडिडेट है तो इनका हाइट जो है 147 सेंटीमीटर मापा जाता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब रनिंग की बात करते हैं तो देखिए रनिंग जो होती है यूपी पुलिस की, तो मेल की जो है और फीमेल की, यहाँ पर हम दोनों आपको बता रहे हैं। मेल में देखिए अब इसमें रनिंग में छूट नहीं मिलती है कि आप एसटी हैं तो आपको जो है कम दौड़ लगाना पड़ेगा। सबके लिए एक ही दौड़ होता है और एक ही समान होता है और एक ही टाइम होता है सबके लिए, जनरल ओबीसी एससी और एसटी के लिए। तो देखिए मेल का जो रनिंग होता है वह होता है 24 मिनट में 4800 मीटर का है। कितने मिनट में? 24 मिनट में 4800 मीटर। लेकिन फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की जो रनिंग होती है 14 मिनट में 2400 मीटर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं इनके सिलेबस के बारे में, पॉइंटली जो आपको तैयारी करनी है उसके बारे में बात कर लेना है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि यूपी गवर्नमेंट द्वारा यह बोल दिया गया है कि यूपी पुलिस की जो भर्ती है नई कांस्टेबल की हम दिसंबर तक पूरा कर लेंगे, यह यूपी गवर्नमेंट द्वारा बोला गया है। तो भर्ती लेट हो रही है यह मत देखिए, भर्ती 2 महीने के अंदर भी पूरी की जा सकती है। अभी देखिए यूपीएसआई की जो भर्ती है 2 महीने के अंदर इसे पूरा कर लिया गया, जो टाइम दिया गया था कि हम लास्ट जुलाई तक जो है यूपीएसआई का जो भर्ती है हम उसकी प्रक्रिया को पूरी समाप्त कर लेंगे। और देखिए समाप्त भी हो गया। तो देखिए लेट भी हो रहा है तो इसमें आप जो है निसंदेह रहिए कि आपका जो पेपर है वह 2023 में 24 में होगा, ऐसा नहीं है, 2022 में ही आपका पेपर हो जाएगा और फिजिकल भी हो जाएगा, ठीक है। अब ज्वाइनिंग जो है वह कब दिया जाएगा यह यूपी गवर्नमेंट द्वारा नहीं बोला गया है। ऐसे बहुत से अनुमान लगाया जा रहा है कि 23 में होगा 24 में होगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम इसी सत्र होगा, ठीक है।
अगला स्टेप बात करते हैं तो देखिए इसका जो है यूपी पुलिस की जो भर्ती की प्रक्रिया वो कैसे होती है। तो पहला जो आपका रिटर्न होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। अब इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट जो है सिलेबस ही है। तो देखिए सिलेबस में क्या है, जीके जो है 38 है, मैथ जो है 38 है, हिंदी 37 है और जीके 37 है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर एक और समझ लीजिए, देखिए जो मैथ की जो संख्या यहाँ पर 38 दिया है, 38 न आकर मैथ जो है 19 से 20 ही आता है, बाकी जो क्वेश्चन कट कर चला जाता है वह रीजनिंग में चला जाता है। तो रीजनिंग की संख्या 55 से 60 देखने को मिलती है, यानी जितना यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है 2018 और 19 में, उसमें आप देख लीजिए ऑफलाइन पेपर हुआ है, पेपर उठाकर देख लीजिए 50 से 55 और 60 के बीच में आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा, यानी 50 से 60 के बीच में रीजनिंग रहेगा, मैथ की संख्या 19 से 20 ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है रीजनिंग और हिंदी पर और जीके पर। मैथ जो है आसानी से 19-20 में आप आसानी से 12 से 15 कर लेंगे, ठीक है। आपको फोकस करना है रीजनिंग और हिंदी पर, यदि यह स्ट्रांग हो गया तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो देखिए यूपी पुलिस से जो भी रिलेटेड जानकारी थी मैं आपको बता दिया हूँ, आप अपनी तैयारी में लग जाइए और आप अपना डॉक्यूमेंट जो है तैयार कर लीजिए, ये नहीं कि भर्ती आने के बाद डॉक्यूमेंट जो है अपना तैयार कीजिए। देखिए जो डॉक्यूमेंट तीनों बताए हैं, आय जाति निवास, पहले तहसील पर बनता था लेकिन आप जनसेवा पर भी बना सकते हैं, अब जनसेवा से भी उसको तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, 2 से 3 दिन में यह जो बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। फिर अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड अपडेट हम आपको हमेशा देते रहेंगे और साथ में इसकी हम लोग तैयारी भी करेंगे, हिंदी जीके रीजनिंग मैथ सब कुछ तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।